नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ट्राई बेस्ट 5 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद आलम और आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अनुभवी एवं सफल किसान श्री रईस अहमद, और उन्हीं के माध्यम से आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बैंगन की फसल में लगने वाले लाइलाज रोग मोज़ेक के 90% रोकथाम के बारे में। किसान भाइयों, मोज़ेक वायरस रोग यह एक वायरस जनित रोग है। यह रोग पौधे के विकास के किसी भी अवस्था में हो सकता है। इस रोग में पत्तियां छोटी, सिकुड़ी हुई, हरे पीले धब्बे जैसी आकृति का बनना तथा लगे हुए फल बिल्कुल कठोर हो जाते हैं और पौधे में फल फूल लगना बंद हो जाता है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, WP 35 ग्राम, इमिडाक्लोप्रेट 70%, WG 5 ग्राम, हेक्साकोनाजोल 5% EC 40 ml, बोरेक्स 35 ग्राम, इन सभी दवाओं को 15 लीटर पानी में घोलकर रोग से ग्रसित पौधों के साथ साथ पूरी फसल पर छिड़काव करें। उसके बाद आप जैविक दवा का छिड़काव करें। जैविक दवा बनाने के लिए आप 10 लीटर गाय का मूत्र, 2 किलोग्राम नीम की पत्ती, 500 ग्राम लहसुन, 500 ग्राम अदरक, इसमें अदरक लहसुन कूट कर डालें और ये सभी गाय के मूत्र के घोल में एक हफ्ते तक सड़ने दें। उसके बाद 1 लीटर उसमें से निकाल कर 15 लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बिस्वे में पूरी फसल पर छिड़काव कर दें। लक्षण देखते ही इसके प्रयोग से आपके बैंगन के पौधे का मोज़ेक वायरस रोग 90% तक रुक जाएगा। किसान भाइयों, जिस बैंगन के पौधे में मोज़ेक रोग लग चुका हो उसे उखाड़कर फेंक दें और दूसरा स्वस्थ पौधा वहाँ पर रोपाई कर दें। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताएँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।